मैं मत को बैठ जा रहा हूँ। मामा आपको बैठ? अभी आई हूँ। और ये क्या चक्कर है भाई, ताला वाला कैसा तोड़ रखा था? भैया समझ तो ऐसा है, कंप्लेंट लिखा के आ। इतना ड्रामा से अच्छा है कि अभी भी पेपर है, वही पेपर है एकदम। बात तुम बोलती हो ना, लो मेरा सिग्नेचर तो खुलेआम है, ये देखो मेरा सिग्नेचर तो है इस पे। तुम अपना कर दो, खत्म करो मामला को। तुम भी आजाद, देखो प्यार से बोलो, तुम भी आजाद मैं भी आजाद। भाई ताला टूटा हुआ है? हाँ, इस रूम का ताला टूटा हुआ, मेरे पास एक तेरे पास। हाँ ताला तोड़ा इन लोगों ने, ताला टूटा हुआ और दोनों भाई बहन यहाँ पे पड़े हुए। आज मम्मी आ जाओ। मम्मी क्या करूं, दिमाग खराब हो रहा है पता है। यहाँ पे ना क्या हो गया, सुन के ना दिमाग खराब हो जाएगा। दोनों भाई बहन का अगर बताऊं तो ऐसी ऐसी हरकतें कर रहे हैं भाई। ताला टूट रहा हुआ है, ताला तोड़ के ये लोग यहाँ पे क्या कर रहे थे? और दोनों को जाने के लिए बोल रहे, कोई नहीं जा रहा है। आप आओ पहले अंदर आके बात करो। बहुत मम्मी बैठ। मम्मी बढ़िया, इसमें क्या लाई? गांव से लाई थी। अच्छे पढ़ाने के लिए। मम्मी दिमाग खराब हो रहा है, इन लोगों ने दिमाग को खराब कर रखा है। कल हम लोग आए हैं तो कल मैंने ये देखा है, जैसे ही हम लोग आए भाई ताला टूटा हुआ है। हाँ, इस रूम का ताला टूटा हुआ, मेरे पास एक तेरे पास। हाँ ताला तोड़ा इन लोगों ने, ताला टूटा हुआ और दोनों भाई बहन यहाँ पे पड़े हुए थे। ये तो गलत बात है ना फिर ऐसा। तो भाई तू कुछ ना कुछ रिपोर्ट वगैरह लिखा भाई। अब इसमें तेरी सबसे पहली बात ये को भगाओ ना यहाँ पे। ये तो रिपोर्ट तो बोला ना, पहले बोला कुछ चीजें पड़ी तो पता है क्या रहा है। क्या तुम्हारी गंदी सोच है, गंदी सोच फिर तुम यहाँ पड़े क्यों? जब हमारी गंदी सोच है तो फिर तुम्हें आना ही नहीं चाहिए। मतलब दिमाग खराब हो रहा है मम्मी ये लोग। मैं तो बोला था कि पापा को भी बुलाओ, पापा के मतलब बुलाओ, उनसे मशवरा करके इनके खिलाफ जा करके ना कार्रवाई करो। क्योंकि इस तरीके से थोड़ी होगा। मैंने कल बोल दिया है, उस रूम में पड़े हुए हैं। अब ये बदतमीजी करने लगते हैं लोग, इसलिए मैं बात ही नहीं करता हूँ। बात तो कर मत, क्योंकि ये इन लोगों को मौका चाहिए और दिक्कत हो जाएगी तो बुलाता हूँ। देखो दिमाग खराब कर रखा बेटा, ये भी इतने बेसरा में ये नहीं सोचा था कि बताओ ताला तक तोड़ के अब इनके खिलाफ ना कार्रवाई करनी ही पड़ेगी। तू पानी वाले जाके पानी, अरे क्या पानी पीना, कोई नहीं छोड़ा। मेरा दिमाग खराब हो गया। सब ठीक गाँव में? हाँ पापा ठीक। अरे यहीं की टेंशन खा जाती है आदि। हम भी एक दिन से टूटा पड़ा हुआ था पूरा ताला। मम्मा ने बस पैर वैर मत को बैठ जा रहा हूँ। मम्मा आपको बैठ? अभी आई हूँ। और ये क्या चक्कर है भाई, ताला वाला कैसा तोड़ रखा था तुमने? पूछो ना। और इसके भाई को बोलना आने के लिए तो नहीं आ रहा है। ताला वाला क्यों तोड़ रखा था ये बताओ। ये कौन सी इस तरह से तुम घर में रहने की कोशिश कर रही हो क्या? हम भी तो ऐसे अब कुछ ज्यादा ही हो रहा है। अभी हम सोच रहे हैं प्यार प्यार से सब कुछ हो जाए, फिर हम वही हमें भी थाने हम फिर थाने पहुँचाएंगे, हम भी कम्प्लेन करेंगे। और ये तो है नहीं, ये तो क्राइम ही किया तुम लोगों ने। ये तो है नहीं कि कार्रवाई इसके खिलाफ एक वीडियो हम पे भी सारी पड़ी है। वीडियो हम पे भी बेटा सारी है, पर हम ये चाह रहे हैं ना तुम्हारी जगह सही हो ना इसकी हो। मैं सही बात बताओ, राजी राजी काम हो जाए, फिर राय तो फैलेगा तो बहुत फैलेगा, ये सोच लेना। क्या फिर तू राजी राजी नहीं जाना चाहते तो फिर वही गैर राजी, हमें कदम उठाना पड़ेगा, मजबूर कर रही है तू और कुछ नहीं। आप सब लोगों ने इतना कुछ कर दिया, ये भी कर सकते। क्या कर दिया बता रहा, क्या एक बार मम्मी से पूछो ना क्या कर दिया यार। क्या कर दिया आज तक, मतलब कोई क्या कर दिया? नहीं तू एक बार नहीं आप तू बता ही दे क्या कर दिया, ये बता करा क्या है। नहीं तू एक बार बता दे, डिटेल में बता दे चल आज। बल्कि तूने यहाँ रहना हर चीज मुश्किल कर रखी, खाना पीना रहना सहना, यहाँ तक कि इंसान अलग से अकेला बैठने के लिए भी तरस है। अब ये तो ये और अपने भाई को भी तो बुला लिया यहाँ। मेरा भाई चला जाएगा, कहाँ गया? यहाँ पर अकेली थी इसलिए वो यहाँ पर आया। तो क्यों अब घर तो अपने घर जाती, वहाँ तो सब थे तेरे भाई। तुम अकेली थी क्या कर रही? तुमने भाई को बुला लिया और किसी को बुला लिया पीछे? देखो इसके मम्मी पापा को पता चलेगा तो यहाँ पे बहुत बड़ा मतलब यार मेरा सेकंड घर बसा है इसको। प्लीज मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरा सेकंड घर खराब मत करो। तूने खुद ने किया है,
दूसरे पे नाम है इज्जत बचाने के हमारे सब काम हो रहे हैं। राजी राजी चले सब तरह बताते रहे, ये दूसरों का मुझे समझ में नहीं आता। अब तुम इल्जाम क्यों लगा रही हो? इल्जाम नहीं लगा रही, समझ जो सच है वो बोल रही हूँ। क्या सच है? मैं आती हूँ यहाँ पे, क्या सच है बता रहा हूँ। मेरी ये गलती थी, बट तुम्हारी क्या गलती है? तुम ये नहीं देख रहे अपनी गलती, उसकी गलती है तो छोड़ दो ना फिर। मैं नहीं छोड़ना चाहती मम्मी, क्लियर जब गलत बंदे के साथ इस बंदे के साथ रहना क्यों चाह रही है? मैं जब वो गलत है इसके भाई से पूछो ना, मैं बुलाता हूँ। बोला मैं ही लेके आता हूँ, बुलाता हूँ। पूछो ना कि ये लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे ड्रामा, यहाँ रह के क्या हो जाएगा? यहाँ हमें क्या पता तुम पीछे से किसको बुला रहे हो, क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे है? मेरे घर में 36 चीज पड़ी है। यही चीज मैंने बोली ना, बुरी लग गई इसके भाई को, बुरी लग गई तो अपने घर ले जाता ना। क्या गंदी सोच, तो गंदी सोच है, गंदी सोच वालों क्या रह के आगे। मम्मी आया देखो, इनका हमारे ताला वाला तोड़ के तुम रह रहे हो, बता रहे हो रह क्या रहे हम? क्या मतलब है? तुम अपने घर ले जाना इसको, ये गुनगुन यही रहेगी तो ठीक है, रहने का मतलब नहीं है। मैं नहीं बैठ रहा ठीक है, मैं तो बस बताना आया था। मैंने क्या बताया, हमारे घर में 36 चीज पड़ी है, अब हम कैसे विश्वास कर ले? यही चीज मैंने बोली थी, तो बुरी लगी थी इसको भी। तुम्हारा बहुत विश्वास लायक कह रहा था मुझे भी, हमारा लड़का विश्वास लायक नहीं है ना, तो ले जा अपनी बहन को फिर। विश्वास लायक है मेरा लड़का, गंदा है तो उसके पास ले जा, विश्वास लायक है। मेरे लड़के ने इसके साथ में सब कर्म कर लिया मतलब, और इसके लिए बहुत बुरा है, तो फिर क्यों छोड़ के जा रहे अपनी बहन को उस आदमी के सारे, जो पूरी जिंदगी निकाल ले की वो बात करते हैं। तुम्हें अपने लड़के का सब पता है ठीक है, वो कैसा है कैसा नहीं है सब चीज का पता है ठीक है। उसे इतना भी पता है कि क्या नाम है, जब ये इसे लेकर चला गया तो इसे लेके नहीं गया ठीक है, इतना तगड़ा है भेदभाव। अगला समझ में, और दूसरी बात भेदभाव ही है ठीक है। मेरे में पहले पैसा नहीं था, इस लड़के ने जो भी करा ठीक है, अपनी बहन को लेके जाना। मैंने नहीं कहा, क्यों छोड़ के जा रहा अपनी बहन को? मैंने आंटी गंदा नहीं बोला, मैं कह रहा हूँ विश्वास ठीक है, गंदा और विश्वास में अंतर होता है ठीक है। पूरी जिंदगी कैसे गुजारेगी उसके साथ में? किसके साथ में गुजारेगी? समर के साथ में जो जब इसने दूसरी शादी कर ली है, या अपना अकेलेपन में गुजारने की जिंदगी जैसे तो अकेलेपन में रह लेगी ना, ये जैसे रहेगी यही रहेगी। मेरे बस की घर वाले रहेगी, दो दिन वहाँ घर रहेगी, तीसरे दिन फिर आएगी वहाँ पर काम करना अपने भाई। हमारे बस की नहीं, घर मम्मी पापा को बुला ले, इतनी भारी हो गई बहन, भारी नहीं हुई है बहन, भारी नहीं हुई है बहन की हरकतें भारी हो जाती है। हरकतें नहीं हुई है, जो तुमने उसका घर बर्बाद करा है ना अपनी तरफ। अरे आंटी चलो, हमने घर बर्बाद कर दिया, आपने तो बसवा दिया इसका घर ना, बसवा तो दिया मेरे लड़के का घर, और आपने सर बसवा तो दिया ठीक है। अब देखो ऐसा मेरे घर में चीजें गायब होगी, कुछ होगा मैं क्या करूँगी बताना भैया? समर तो ऐसा है, कम्प्लेन लिखा के आप इतना ड्रामा से अच्छा है कि अभी भी पेपर है, वही पेपर है, एक बार सिग्नेचर कर दो मामला खत्म है। ये लो कहाँ गया, ये रहा सिग्नेचर करवा दे भाई, खत्म बात। तुम बोलती हो ना लो मेरा सिग्नेचर तो खुलेआम है, ये देखो मेरा सिग्नेचर तो है इस पे, तुम अपना कर दो, खत्म करो मामला को। तुम भी आजाद, देखो प्यार से बोलो, तुम भी आजाद मैं भी आजाद, कोई दिक्कत ही नहीं होगा। अरे तुम तो कल भी आजाद था, आज भी आजाद है, परसों भी आजाद ही रहेगा, या तो बिचारी जैसे में थी वो तो वैसी में बंदी हुई रह गई ठीक है। बंदी हुई बिचारी तो कहीं नहीं है, पहले पंख उसने ही फैलाए थे, रह गई ठीक है। बिचारी कहीं नहीं है, फैलाई इसने थे पंख, तुमने कटवा दिया सबने। अरे हमने कब कटवाए बेटा, वो तुम्हारी गलतियां। अरे आंटी बढ़िया है, कहते हैं ना कि क्या नाम है, गलत करने के बाद आदमी अपने गिरमान में जा जा कर करता, दूसरों का घुस के देखता है वो ठीक है। अरे मैं ना लेकर जा रहा हूँ ठीक है, ये दो दिन वहाँ रहेगी, तीसरे दिन फिर आ जाएगी, मेरे बस की नहीं है भाई। तो फिर तुम क्यों आता है, हमारे बस की नहीं है ठीक है। मैं तो इसका हाल चाल लेना पूछना आता हूँ। अरे हाल चाल भी, जब बहन की पड़ी नहीं है तो हाल चाल भी क्यों लेने आ रहा है भाई? बहन की पड़ी है जब भी तो पूछना आता है, घर पे नहीं रहती, यहाँ पर आती है भगभग के, मैं क्या करूँ? आती है भगभग के, लेके जाना इसको, कैसा भाई है तू? जब तक घर बर्बाद करवाने की कमी नहीं छोड़ी अभी, पहले पहले तो तुम्हारे लड़के ने हमारी बहन का बहुत ज्यादा घर बसवा लिया था है ना, नहीं पहले तो बहुत ज्यादा घर बसवा लिया था, अच्छा वाला घर बसा था ना, और क्या हमारा घर भी बर्बाद कर दिया था तुम्हारे लड़के। अरे हां घर बर्बाद, ये कहने का आया तुम्हें आगे, सही कह रहा है, तो घर बर्बाद कर दिया, घर बर्बाद इसने, पता है सबको किसने क्या किया किसने क्या नहीं किया। अरे भैया तो सफाई मत दिया करो बार बार यार, तुम्हारे हम सफाई नहीं दिया करते, सब चीज दिखती है, सफाई ही देते हो, सब चीज दिखती है, सफाई देते हो, आप लोग लगा देते हैं, आता अपनी बहन का वो करने आता है बस, सपोर्ट कुछ नहीं, सपोर्ट करता तो एंटरटेनमेंट इसका कुछ नहीं हो रहा बेचारी, इसका बहुत कुछ हो रहा है, इसे एंटरटेनमेंट दियो, खूब जा रहा है ठीक है। ये नहीं जाएगा भाई, ये नहीं जाएगी, अरे सर आप अपने पास, अरे बस सुन, नाम है तुम भी जाओ ना उसके साथ। अजीब हाल है यार, मतलब मुझे कुछ फिर कदम उठाना ही पड़ेगा,
अब लास्ट टाइम है, अब तो हो गया, अब बहुत ज्यादा हो जाएगी, नहीं तो बहुत ज्यादा सर पे से बात जा रही है। अब तो इसका नहीं क्लियर कर समर, तू भैया थाने जा रिपोर्ट लिखा और अब भैया वकील से सीधी बात कर ले, बस बात खत्म कर, लड़ो फिर कोर्ट में। हाँ, मैं अपने वकील से ही बात करता हूँ। बहुत दिमाग खराब हो गया। अब क्यों नहीं जा रही अपने भाई के साथ? हम तो गाली सुनने के ही रह गए सारे में।